गुड मॉर्निंग सब लोगों को, भाई और बहनों को। तो मैं यूँ बोल रहा था कि रात को क्या है कि हम 3-4 बजे आए, आके फिर होटल, ये होटल है, इस होटल पे आके रुक गए। अब रुकने के बाद क्या हुआ, खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद जैसे ही बेड पे लेटे तुरंत नींद, और सुबह 9, 9:30, 10 बजे के आसपास नींद खुली है। नींद खुलने के बाद हम लोग चाय वाय का, मतलब चाय, थोड़ी सी चाय पिए, नाश्ता किया, और उसके बाद अभी तुरंत निकलने। और ढाबे का नाम है ये 79 मॉल स्टोन ढाबा। ये अपने दिल्ली से शायद 30-40 से 45 किलोमीटर पहले आता है, ये लद्दाख हाईवे पे 40 से 45 किलोमीटर बाद पहले ही आ जाता है अपने लद्दाख हाईवे पे, जिससे अपन कुल्लू मनाली जाते हैं उधर की साइड से। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी की हालत तो आप देख ही रहे हो कैसी हो रही है, पूरी ख़राब हो रही है, इतनी गंदी हो रही है कि क्या बताऊँ। सर्विस बहुत जल्द करवानी पड़ेगी इसकी। बाकी तो अभी ईश्वर और नरेश नादों के फ्री होके आ रहे हैं। अंकल कपड़ा रहने दो, नहीं 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 अंकल नहीं, कपड़ा रहने दो भाई, कांच के ऊपर कर दो, बाकी कहीं पे भी मत करना, बाकी मतलब बस यहाँ पे, हाँ बस एक ही जगह, बाकी मत करना। भाई अंकल है यहाँ पे, रात को खाना भी बहुत बढ़िया तरीके से खिलाया इन्होंने, इतना प्यारा व्यवहार है इनका। 3-4 बजे तक तो भाई साहब को मतलब नींद भी नहीं आ रही है, एकदम प्यार से बोल रहे हैं, प्यार से हर चीज़ ला के दे रहे हैं। और अभी क्या कांच खराब हो रहा था, गाड़ी का मिट्टी हो रही थी, तो कांच साफ कर रहे हैं बिना कुछ कहे ही। तहे दिल से शुक्रिया इन भाई साहब का। बाकी आपको मिलते हैं रास्ते में। अभी हम लोग निकल रहे दिल्ली, दिल्ली जाके हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे अभी कोई ये चीज़ डिसाइड नहीं किया हम लोग, क्या कि आज कोई घूमने का प्लान नहीं है हमारा। हम लोग सोच रहे इतनी दूर जाके कुछ खरीदा नहीं है, तो हम लोग क्या दिल्ली में थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट में थोड़ा सा घूमेंगे, कुछ अच्छी लगी तो लेंगे, परिवार के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए, किसी के लिए ले लेंगे। बाकी अभी निकल रहे हैं। हाँ तो भाई हम लोग पहुँचे हैं चांदनी चौक। बीच में थोड़ा जल्दी कर लिए थे, मार्केट में ज़्यादा भीड़ थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, तो अभी हम लोग पहुँचे। लेकिन आज क्या संडे है, तो संडे को क्या मार्केट बंद रहता है, तो प्रॉपर नहीं खुला हुआ है, बाकी थोड़ा बहुत खुला हुआ है, जो कि हम देख के फिर निकलेंगे और क्या, क्योंकि मार्केट तो खुला हुआ नहीं है। और यही दिक्कत आ रही है अभी, और दिक्कत तो क्या है, हमें पता नहीं था इस चीज़ का कि मार्केट खुला हुआ रहता है या नहीं रहता है। पैदल चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। थोड़ा बहुत तो खुला है, ऐसा तो काम तो हो जाएगा। बाकी आपको मिलते हैं, मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर क्या क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं वो सब आपको बता दूंगा मैं। फिर शाम का प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, मेरी कज़न मम्मी बनाई हुई है उनके यहाँ पे खाने का, वहाँ खाना खाने जाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद। बैठ गए, थक गए, कुछ मिला नहीं, मार्केट लगभग बंद है। बाकी देखो भीड़ तो है, ऐसी बात नहीं भीड़ नहीं है, भीड़ तो है, लेकिन अभी तो कुछ मिला नहीं है, ना ही कुछ खरीदने लायक चीज़ें हैं, तो ना ही कुछ मज़ा नहीं आ रहा। संडे है, अगर संडे नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन क्या करें, भूख इतनी लगी हुई है और खाने के लिए कुछ जगह मिल नहीं रही, दुकान भी नहीं मिल रही। बाकी ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वापस 2 घंटे घूम के थक हार के वापस बैठ गए, अब भी कुछ नहीं मिला। रीज़न संडे है, संडे को मार्केट रहता है बंद। भीड़ है हालांकि, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन भीड़ का क्या मतलब है कि भीड़ हमारे जैसे ही है, जिसको नहीं पता है वो आ गया। बाकी भीड़ आप खुद देख सकते हो वापस। और हम बैठे गए हैं, कुछ दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, कुछ दिख रहा है, हम बैठे लाल किला के सामने, रोड है एक, उसके ऊपर बैठे हैं, सड़क के ऊपर बैठे हैं, मार्केट के अंदर है उस पर बैठे हैं। अभी नरेश ने एक तो वॉच ली है, ये वॉच है दीवार घड़ी, दीवार पे लगाने की वॉच है। मोजे लिए हैं, आकाश जी ने अपने बच्चों के लिए खिलौने लिए हैं, और मेरा कुछ नहीं लिया अभी तक, मेरे को लेना है 2-3 सामान लेना था, कैमरे के मार्केट में जाना था, गोप्रो कैमरा लेना था मेरे को, वो भी नहीं मिला, क्योंकि वो भी संडे की वजह से नहीं मिलेगा, बंद है, कल मिल जाएगा। बाकी मेरे को कुछ मिलने का चांसेस नहीं है, मुझे लग रहा है कि शायद मिलेगा भी नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मम्मी के यहाँ पर, खाना वाना खाएँगे, और खाना खाने के बाद सीधा जयपुर निकलेंगे, क्योंकि अगर 12 बजे तक भी निकलना हो गया ना हमने हमारे यहाँ से, तो हम लोग सुबह पहुँच जाएँगे 5-6 बजे के आसपास जयपुर पहुँच जाएँगे। बाकी तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है क्या नहीं है, देखते रहिए बाकी तो अभी आप। अभी तो नरेश और ईश्वर गए हुए हैं मार्केट में, देखे और क्या लेने के लिए गए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ क्योंकि थक गया, बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गया, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं।
अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, खाना खाने के बाद में आपसे मिलते हैं, क्योंकि अभी मैंने तो कुछ ख़रीदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो ख़रीदने लायक कुछ मिला नहीं। और बाकी आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा भी नहीं, बोरिंग ब्लॉग है। बाकी बिल्कुल सपोर्ट करो, देखना है आपको। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, खाना वाना खा के निकल रहे हैं सीधा जयपुर के लिए, और हम जयपुर पहुँच जाएँगे 5 या 6 बजे के आसपास सुबह। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना वाना खा लेते हैं जाके। और बाकी दिल्ली में ट्रैफिक भी वजह से इतना ज़्यादा लेट हो गए कि पूछो मत क्यों, क्योंकि सुबह 1 से 1.5 बजे हम लोग यहाँ दिल्ली एंटर हो चुके थे, उसके बाद अब तक हम लोग घूम रहे हैं। पहले तो ट्रैफिक नहीं मिला था, अब जाके को ट्रैफिक मिल, मतलब वो ट्रैफिक मिल गया हमें। और ट्रैफिक मिलने के बाद में भी प्रॉब्लम ये थी कि हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, कैसे ना कैसे करके पार्किंग मिली रास्ते पे ही, पार्किंग लगा के उसके बाद घूमने गए हम लोग। घूमने के बाद सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सामान लिया है, वो मैंने आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले। और अभी और कुछ लेने का इरादा है नहीं, अभी तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ पसंद आया नहीं यहाँ पे। बाकी आपको खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग, रात को खाना भी बहुत अच्छे से खाया था, खाना वाना खा के सो गए थे। आधे घंटे बाद में हमने सोचा कि चलो अपन निकलेंगे, लेकिन नहीं निकल पाए। चलो फिर भी आधे घंटे बाद में हम निकल गए थे वहाँ से। और अभी पूरी रात गाड़ी चल के हम पहुँचे हैं जयपुर, घर पे पहुँच गए हैं वैसे पूरी फाइनली, लेकिन आपको पूरा रास्ता दिखा भी नहीं पाए। खाना भी खाया है, घर पे भी गए थे, किसी से मिला भी नहीं पाए, वो इस वजह से कि हम सोचा हो जाएगा, कब क्या हो गया कुछ पता नहीं। गाड़ी में आके बैठने के बाद भी हम लोग ना बात कर पाए ना मिल पाए, सो गए। और अभी चाय पी रहे सब लोग बैठ के, एक बार लास्ट बार चाय पी रहे हैं, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे, सब लोग सोएंगे। आज का पूरा दिन तो सोने में ही है। बाकी आई होप ये जर्नी बहुत बढ़िया लगी होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अभी चाय पी रहे हैं सब लोग सुबह, गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 4:30, सब लोग बैठे हैं, अब जाएंगे सोएंगे।